एन एक्टर मैं भी थोड़ा एक्सप्लोर करना चाह रही हूँ, जैसे कि मैंने अभी पीछे मैंने वेब सीरीज़ भी की है जौहरी, उसमें भी एक बोल्ड और कॉन्फिडेंट लड़की का कैरेक्टर मैंने किया है। एक तो वो उनके दिमाग में होता है कि अच्छा एक्टर है, ऊपर से सिंगल मदर है, अच्छा तो फिर हो गया। अभी तक कितने सालों में मैंने ऐसा कोई शो नहीं किया जहाँ पर मुझे अपना डांस दिखाने का मौका मिले, और आई एम अ ट्रेन डांसर। वेलकम टू माय सेट, थैंक यू फॉर कमिंग। नो वरीज, माय प्लेजर। ओके, सो कैसा है ये रिश्ता अनजाना? वी वांट टू नो, वी ऑफ कोर्स वी ऑल नो कि जब आप एक डेली शो चूज करते हो उसके बहुत सारे पर्क्स होते हैं, बहुत सारे कॉन्स भी होते हैं, यू नो, लॉन्ग शिफ्ट आर, आप प्रोजेक्ट नहीं पिकअप कर सकते हो। इन स्पाइट ऑफ ऑल दैट यू हैव चूजन दिस शो, व्हाट इज दैट वन मेन रीजन बिहाइंड दैट? सो जैसे कि आप जानते हो कि मेरा लास्ट शो यू नो इट वाज अकबर का बल बीरबल, तो उसको काफ़ी टाइम हो गया। उसके बाद में यू नो मैंने कुछ साल का गैप लिया फॉर ज़ियाना, तो अभी ज़ियाना थोड़ी बड़ी भी हो रही है और वो थोड़ी समझदार हो रही है। इसके साथ साथ जब मुझे डेली सॉप के लिए मुझे ऑफ़र आ रहा था, तो मुझे वैसे डाइसी थी कि मैं करूँ नहीं करूँ। स्टार्टिंग में मैंने मना कर दिया था कि नहीं, डेली सॉप नहीं हो पाएगा मुझसे। एंड देन दे केप्ट यू नो कॉलिंग मी। तो मुझे कई बार बोलते हैं ना, बड़े बुजुर्ग बोलते हैं कि जब कोई चीज़ बार बार आपके पास आती है ना, तो ज़रूर आपका कुछ अच्छा करने के लिए आती है। तो फिर एट वन पॉइंट ऑफ टाइम मैंने सोचा कि चलो शायद भगवान चाहते होंगे कि मैं ये शो करूँ। एंड देन इट वॉज अ नाइस रोल, इट वॉज अ नाइस कैरेक्टर। या सो आई एम जो हमारे रजत हैं शो के जो लीड हैं, मैं उनकी वाइफ प्ले कर रही हूँ। तो जो आगे जाके शो में नेगेटिव लीड होने वाली है, नेगेटिव करने के पीछे ये है कि यू नो व्हेन यू प्ले अ नेगेटिव रोल आपको बहुत कुछ मिलता है प्ले करने के लिए, बट व्हेन यू आर डूइंग अ पॉजिटिव रोल या एक सिंपल आप रोल कर रहे हो, तो उसमें ज़्यादा कुछ एज एन एक्टर आपको करने के लिए नहीं मिलता है। एज एन एक्टर मैं भी थोड़ा एक्सप्लोर करना चाह रही हूँ, जैसे कि मैंने अभी पीछे मैंने वेब सीरीज़ भी की है जौहरी, उसमें भी एक बोल्ड और कॉन्फिडेंट लड़की का कैरेक्टर मैंने किया है। तो इसलिए मैं थोड़ा चाहती हूँ कि थोड़ा एज एन एक्टर थोड़ा सा एक्सप्लोर किया जाए। उस तरह के रोल्स काफ़ी कर चुकी हूँ मैं, बेचारी अबला वाले, आई वांट टू डू समथिंग न्यू नाउ। ओके, यू नो द फैक्ट दैट नाउ यू आर अ सिंगल पेरेंट, डज इट इन्फ्लुएंस योर प्रोफेशनल चॉइसेस? आई थिंक सो, आई मीन जब मेरे पास कोई रोल आता है तो नॉट रियली एक्चुअली, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इस तरह से पोर्ट्रे करना है कोई भी कैरेक्टर की जहाँ पर एक लड़की को स्ट्रॉन्ग दिखाया जाए। यू नो मैं चाहती हूँ कि लोगों को ये देखने को मिले कि एक लड़की सिर्फ रोती ही नहीं रहती है, यू नो, क्योंकि आपने रियल लाइफ में भी देखा होगा जब कोई लड़की जब तक रोती रहती है ना, सबकी बड़ी सिंपथी रहती है उसके साथ कि अरे बेचारी बड़ी अच्छी लड़की है। जब वो कॉन्फिडेंट अपना काम ठीक से करने लगती है या अपनी लाइफ में बिजी हो जाती है, लाइफ में ग्रो करने लगती है, तो लोग उसके बारे में बुरा बोलना शुरू कर देते हैं। और जब वो यू नो जब वो अच्छा करने लगती तो बुरा बोलते हैं। अगर कोई लड़की परेशान होकर सुसाइड कर लेगी तो वो बोलेंगे अरे वो तो अच्छी लड़की थी बेचारी। तो ये हमारी सोसाइटी में मुझे लगता है कि इट्स देयर मेंटेलिटी, बहुत अच्छे से अंदर तक वो यू नो ठूसा गया है दिमाग में सबके कि जब तक कोई रो रहा है तो यू नो बेचारा है, जब वो उसमें से बाहर निकल जाता है अपने दुख में से, अपने डिप्रेशन में से अगर कोई बाहर निकल जाता है तो वो बुरा बन जाता है। तो सो मैंने ना बहुत सारी मदर से इस बारे में बात की है, बट एवरीबडी सेज द सेम थिंग, यू नो हर माँ को ऐसा लगता है कि वो अपने बच्चे के लिए ठीक मतलब 100% नहीं दे पा रही है। हर माँ को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो और अच्छा कर सकती है, बट उस चक्कर में वो हमेशा परेशानी रहती है। अभी जैसे मैं यहाँ पे काम पर आई हूँ तो मैं इसलिए आई हूँ ताकि मैं ज़ियाना को एक अच्छी लाइफ दे सकूँ। अगर मैं अपनी छोटी सी बच्ची को घर पे छोड़कर अगर बाहर काम करने के लिए आती हूँ तो इसका मतलब है कि मैं अपनी बेटी के लिए काम करना चाह रही हूँ ताकि मैं उसको एक अच्छी लाइफ दे सकूँ। बट जब मैं काम पर आती हूँ तो मेरे दिमाग में हर वक्त, ट्रस्ट मी, अभी जब जैसे मैं नीचे रहती हूँ तो नीचे मेरे फ़ोन में नेटवर्क आता है, यहाँ पर नेटवर्क नहीं आ रहा। सो आई
यू नो मेकअप पॉइंट के भी नीचे बैठ के सिर्फ कैमरा ही चेक करते रहती हूँ घर का. या सो अगर ऊपर आने के लिए मुझे टाइम भी मिलता है कि मैं आपके पास टाइम है तो मैं नीचे ही बैठना प्रेफर करती हूँ क्योंकि मुझे नेटवर्क आता है नीचे. तो इसलिए नहीं कि मुझे यू नो बाकी चीज़ें करनी है फ़ोन पे, जस्ट बिकॉज मैं कैमराज जब मन करे तब देख सकती हूँ तो मैं नीचे ही बैठे रहती हूँ. तो इट वॉज लाइक आपको रूम देने का कोई मतलब नहीं है, आप तो नीचे ही बैठते हो. मैंने कहा हाँ क्या करूँ, माँ हूँ ना. अभी यू नो स्कूल एडमिशन्स वगैरह तो अभी तक मैंने फेस किया नहीं बिकॉज जियाना बहुत छोटी है. बट आई वॉज लुकिंग फॉर अ हाउस एंड क्योंकि मैं एक सिंगल पेरेंट हूँ, मेरी एक बच्ची है जिसके साथ मैं अकेले रहने वाली हूँ, ये सुनकर यू नो घर ढूंढना मेरे लिए अगर इतना डिफिकल्ट हो गया था तो पता नहीं आगे क्या क्या. या एक तो वो उनके दिमाग में होता है कि अच्छा एक्टर है ऊपर से सिंगल मदर है, अच्छा तो फिर हो गया. या सो घर मुझे बहुत मुश्किल से मिला था, टचवुड. अभी यू नो लैंडलॉर्ड इज़ वेरी गुड तो अभी सब ठीक है. बट देन वो एक स्ट्रगलिंग टाइम जो मेरे लिए था घर ढूंढने का, यू नो जियाना को मैं लेके जाती थी फिर बीच में घर देखने हम पहुँचने वाले तब तक जियाना को यू नो चलो भूख लग गई है या यू नो उसका डायपर चेंज करना है तो वो बीच में रुक जाते थे, वो लोग वेट कर रहे हैं, अब उसको खाना खिलाना है तो कार में बिठा के पहले उसको खाना खिला रही होती थी, धूप गर्मी. I mean, it was a difficult time for me. I know it's very soon to us, but is love or marriage is something which maybe you think or it's a full stop? As of now, it's life में कभी ऐसा कुछ होता है तो you know हम never say never, but अभी के लिए. Okay. On this note, congratulations for the show. Thank you. Your show आपके लिए wonders करे. Anything you want to say to your fans? फैंस को मैं यही बोलूँगी आप लोग मुझे बहुत प्यार करते हो, जियाना को बहुत प्यार करते हो और हमेशा जब भी मैं कुछ करती हूँ तो मुझे सपोर्ट करते हो, मुझे मोटिवेट करते हो, तो उसके लिए थैंक यू सो मच और ऐसे ही आगे भी करते रहिएगा प्लीज़. थैंक यू. हाई दिस इज़ चारू असोपा, यू आर वॉचिंग मी ऑन ग्लिट्स विजन USA.